दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी जरूरी सूचना लेकर आया हूँ। छत्तीसगढ़ के विभागों की भर्ती से संबंधित, साथ ही वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि 6 माह से विभागों में भर्तियाँ नहीं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 6 माह से विभागों में भर्तियाँ नहीं, लाखों बेरोजगार परेशान हैं, क्या करें। प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, पुलिस सहित कई विभागों हजारों पद खाली हैं। आरक्षण रद्द होने से भर्तियां प्रभावित हो चुकी है। आप देख सकते हैं अक्टूबर 2022 के बाद से नहीं हुई है कोई भर्ती। यही मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, साथ ही पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट तक देख के जरूर जाइएगा वीडियो को, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आरक्षण रद्द होने से, है ना, आरक्षण क्या बोला गया है, रद्द होने से भर्तियाँ प्रभावित है। साथ ही 975 पदों के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 से लंबित है। उसी प्रकार पीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 2171 पदों, यानी कि 171 पद देख सकते हैं आप, पीएससी विभाग में 171 पदों पर भर्ती हुई है, लेकिन साक्षात्कार भी हुआ है, लेकिन परिणाम क्या बोल रहा है, रोक दिया गया है। परिणाम को क्या बोल रही है, रोक दिया गया है। उसी प्रकार वन सेवा परीक्षा 2021 में 211 पदों पर भर्ती होनी थी, इंटरव्यू रोक दिए गए हैं। सीजीपीएससी द्वारा 91 पद, यानी कि प्यून का जो परीक्षा ली गई थी उसमें 2.5 लाख करीब लोग ने फॉर्म भरा, वो भी रोक दिया गया है। व्यापम द्वारा साइंटिस्ट की परीक्षा भी ली गई है जिसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं जारी किया गया है। उसी प्रकार पटवारी परीक्षा के बाद नियुक्ति रुकी हुई, देख सकते हैं पूरे स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये व्यापम के साइंटिस्ट वाला बोला जाए, उसे अगर पटवारी की परीक्षा के बाद नियुक्ति रुकी हुई है, जो पटवारी की परीक्षा हुई थी उसके बाद भी रुकी हुई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रंथी की परीक्षा भी रुकी हुई है। विधानसभा में भर्ती की परीक्षा भी रुकी हुई है। लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, भर्तियाँ हैं, तभी मैं क्लास ले रहा हूँ दोस्तों, है ना। छत्तीसगढ़ में व्यापम पीएससी की मैं क्लास इसीलिए ले रहा हूँ ताकि बहुत सारी भर्तियाँ हैं, ताकि आप लोग पढ़ते रहिएगा। वैकेंसी नहीं आई कि ऐसा बात नहीं है, वैकेंसी है। अब वैकेंसी है तभी मैं आपको क्लास ले रहा हूँ। अगर आपको तैयारी करना है हमारे चैनल पर तो वीडियो को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली क्लास कराया जाएगा, ठीक है। समय है 7:30 से 9:30 के बीच में रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है। मैं यही एक सूचना देना था। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि परीक्षा के साथ इन पदों की अधिसूचना भी रुकी हुई है, यानी कि परीक्षा होने के साथ ही साथ इन जो पद है, यानी कि बहुत सारी भर्तियां हैं लेकिन उसकी सूचना भी रुकी गई है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, आदिवासी क्षेत्र, यानी कि एक मिनट ना, परीक्षा के साथ साथ देखिए आदिवासी बस्तर सरगुजा संभाग के लिए 12,400 पदों पर शिक्षकों की भर्ती अभी नहीं हो पाई है। आप देख सकते हैं कितना, 12,000, ठीक है। एक मिनट ना, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 12,400 पद, ये बार बार कॉल आ रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 12,400 पदों पर शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। कितना, 12,400 पदों पर शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। बार बार कॉल ना करें, यहाँ पर डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, बार बार कॉल ना करें। 12,400 पदों पर शिक्षकों की भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है। सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 250 पदों पर भर्ती न हो पाई है। देखिए सहायक विकास विस्तार अधिकारी, यानी कि एडीओ का 250 पदों पर भर्ती न हो पाई है। हॉस्टल वार्डन के 400 पद रिक्त हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कितने पद हैं हॉस्टल वार्डन के, ठीक है। हॉस्टल वार्डन का 400 पद रिक्त हैं, हॉस्टल वार्डन के 400 पद रिक्त हैं, और एडीओ का आपके पास 250 पद रिक्त हैं। उसी प्रकार शिक्षक के लिए आपका हो जाएगा, शिक्षक के लिए 12,400 पद रिक्त हैं, मतलब अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है, ठीक है। यही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे हैं छत्तीसगढ़ में वैकेंसियाँ, बहुत सारी भर्तियाँ बहुत सारी है लेकिन नहीं हो पा रही है आरक्षण के वजह से या कुछ वजह से, है ना। अब देखिए इसके बाद अमीन पटवारी सिंचाई विभाग के पद रिक्त हैं, लेबर इंस्पेक्टर रिवेन्यू इंस्पेक्टर के पद भी रिक्त हैं। सिंचाई विभाग में सब इंजीनियरों की भर्ती रुकी हुई है, यानी कि यहाँ पर कहना है कि बहुत सारी भर्तियाँ हैं छत्तीसगढ़ में लेकिन वैकेंसियाँ अभी तक रुकी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैकेंसी आएगी और आप लोग तैयारी करिए, है ना। कभी भी वैकेंसी आ सकती है,
इसीलिए मैं व्यापम और पीएससी की क्लास ले रहा हूँ। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राज्य के विभागों में पिछले 6 माह से सरकारी पदों की भर्तियाँ पूरी तरह से बंद है, 6 माह से, और सरकारी भर्ती आरक्षण विवाद के कारण रुकी है। सरकार देखिए सबसे नोट यहाँ पर करिए, नोटिस देखिए सबसे पहले नोट यहाँ पर करिएगा, राज्य के विभाग में पिछले 6 माह से सरकारी पदों की भर्तियाँ पूरी तरह बंद है और सरकारी भर्ती आरक्षण विवाद के कारण रुकी। किसके कारण? आरक्षण विवाद के कारण। सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण विवाद के कारण वैकेंसी की जो भर्ती है रुकी हुई है और इससे लाखों बेरोजगार यानी कि अभ्यर्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं खास तौर पर वही परेशान है। मैं वही कह रहा हूँ कि खास तौर पर वही परेशान है। 50% आरक्षण में ही सरकारी भर्ती प्रारंभ करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकारी सूत्रों की माने तो केवल 3 विभाग स्वास्थ्य, वन और उच्च शिक्षा विभाग में 18,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। सरकारी भर्ती को लेकर यह स्थिति है जो 19 सितंबर 2022 से निर्मित हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने सरकारी भर्ती पदों पर 10 वर्षों से जारी 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार देकर है ना दिया गया है, जिसमें आरक्षण असंवैधानिक करार होने के बाद ही राज्य सरकार ने 76% आरक्षण का प्रस्ताव तैयार किया है और विधानसभा से 76% आरक्षण का विधेयक है। यही मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारी भर्तियाँ हैं छत्तीसगढ़ में। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, कभी ना कभी वैकेंसी आएगी, है ना। यही एक सूचना देना था कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी भर्तियाँ हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 माह से विभागों में है ना, जो 6 माह से विभागों में भर्तियाँ नहीं है, लाखों बेरोजगार परेशान है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आप, मैं पूरा डिटेल जानकारी आपको मैं बता दिया हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।